नमस्कार सभी को। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के त्यौहार का विशेष महत्व है। इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाने वाला है। यह पवित्र त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनों के मन में एक सवाल होता है कि किसे पहले राखी बांधें, बहनों को कैसे रक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि किसे पहले राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन देव देवताओं की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले बहन को भगवान को राखी अर्पित करना चाहिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भगवान शिव को राखी अर्पित करें। मान्यता है ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान गणेश शुभता के देवता हैं, इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी की पूजा करने से जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन बहनें सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हनुमान जी को राखी बांधना अत्यंत फलदायी माना जाता है। साथ ही जिन बहनों को भाई की कलाई पर राखी बांधने का मौका नहीं मिला है, वह हनुमान जी को राखी बांध सकती हैं। श्री कृष्ण भगवान। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान श्री कृष्ण को भाई मानकर राखी बांध सकती हैं। पूर्ण श्रद्धा भाव से ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण शिव सभी कष्टों को दूर करते हैं। नाग देवता। रक्षाबंधन के दिन नाग देवता को राखी अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि इससे सर्व दोष के साथ साथ भय से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही भाई बहन के जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त होने लगती हैं। यदि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।